या जिला वासियों का नमस्कार। आप जान रहे हैं कि मौसम का पूर्वानुमान के अनुसार 7 जून तक लू चलने का पूर्वानुमान लगाया गया। इसके व्यापक प्रचार प्रसार जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया अपने सोशल मीडिया साइट्स में हम लोग लगातार दे रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि तिथिवार पूर्वानुमान जो प्रसारित किया जा रहा है उसका अच्छे से ध्यान से देख लें, और यह जरूरी है कि लू के दौरान सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे 4 बजे तक बहुत ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलने का अगर ज़रूरत है तो कई सारे जो सावधानियां बरतना चाहिए उस सब का पालन करें। लूज कपड़े पहनें, बार बार पानी पिए, गर्म पदार्थ ना ही सेवन करें, सर को ढककर रखें। इस प्रकार कई जो सावधानियां जो हैं हम लोग लगातार प्रसारित कर रहे हैं। इसके अलावा घर में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए और सेहत को लगातार एक स्वस्थ स्थिति में रखने के लिए, ताकि लू का असर कम से कम पड़े, इसके लिए भी उपाय लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूँगा, इन सब संदेशों को लगातार आप लोग फॉलो करें। एक तो पूर्वानुमान का जरूर देखें कौन सा तिथि में इस प्रकार का पूर्वानुमान है, और काफ़ी सावधानियां बरतना होगा। हम लोग जानते हैं 2019 में गया और आसपास जिला में यहाँ तक लू का असर पड़ा कि 16 जून को गया जिला में लगभग 38 लोगों का मृत्यु हो चुकी है। कल हम टेम्परेचर देख रहे हैं कि इमामगंज में 43.6 डिग्री तक पहुंचा है। इसलिए हम सबको मिलकर करके इस मौसम के द्वारा हम लोगों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रशासन की, सरकार की जो मैसेजेस हैं, जो क्या करें क्या ना करें टाइप का जो संदेश दिए जाते हैं, सो गंभीरता से अपने लें और दूसरे को भी बताएं। जो बूढ़े बुजुर्ग या शरीर में किसी को कोई परेशानी, और ज़रूर जो है 11 से 4 बजे के बीच में नहीं निकले। तो स्कूल्स और आंगनबाड़ी के टाइमिंग्स पर हम लोग लगातार निगरानी बनाए रखे हैं, और जैसे परिस्थिति बनेगी उसका हम लोग एडजस्ट करेंगे। आपका कोई भी सुझाव हो या आपका कोई भी शिकायत हो या कुछ आप और जानकारी लेना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में आप संपर्क करके। विज्ञान विभाग ने इस साल आने वाली हीट वेव्स को लेकर चेतावनी दी है, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस गर्मी क्या करें और क्या ना करें पर टिप्स दी हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, साथ ही ORS, नींबू पानी, लस्सी और ताजा जूस का अधिक सेवन करें। पसीने को कंट्रोल करने के लिए ढीले ढाले और हल्के रंग के कपड़े पहने, सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें और दोबारा लगाना ना भूलें। अपने घर को ठंडा रखने के लिए पर्दे लगाएं और तेज धूप ना आने दें। घर के अंदर और बाहर बहुत सारे पौधे लगाएं और रात में खिड़कियां खोल कर रखें। जब भी आप बाहर निकले तो छाते, चश्मे, टोपी और तौलिए का इस्तेमाल करें। बार बार ठंडे पानी से नहाएं और हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए बारिश के पानी को संरक्षित करें। धूप में निकलने से बचें, खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच। अपने बच्चों या पालतू जानवरों को खड़ी हुई गाड़ियों में ना रखें, क्योंकि गाड़ी के अंदर का तापमान खतरनाक हो सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने से बचें, जो आपके शरीर को हाइड्रेटेड करते हैं। दोपहर में एक्सरसाइज ना करें, ठंडक में शाम को या सुबह करें। हाई प्रोटीन और मांसाहारी खाना खाने से बचें, ताजा और हल्का खाना खाने की कोशिश करें। दिन के समय खाना पकाने से बचने की कोशिश करें और छोटे छोटे हिस्सों में आसानी से पचने वाला खाना खाएं। हमेशा डायरेक्ट धूप से बचें और नंगे पैर बाहर ना निकलें।